ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है पंडित की कहानी। एक बार की बात है, एक नदी किनारे एक पंडित रहता था। वो इतना ज्ञानी था कि सारे पंडित गली के उससे राय सलाह लेने आते थे और सारे गली के पंडित उसको बहुत सम्मान और आदर देते थे। आपको पता है क्या था? एक लक्ष्मी नामक दूध वाली रहती थी। वो सुबह उठकर दूध निकालती, फिर अपने वृद्ध पिता के लिए भोजन बनाती, उसके बाद गली में निकल पड़ती दूध बेचने। वो पंडित को दूध बेचने के लिए उसको नदी पार करनी पड़ती थी। तो एक दिन उसका नाव वाला थोड़ा दूर से वो चली गई। फिर दूसरे दिन वो फिर से नदी किनारे पहुंची तो नाव वाला उसको नहीं मिला। तो नाव वाले को उसने कहा कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसको लग रहा था कि पंडित उसका इंतजार कर रहा होगा। वो जैसे ही पंडित के पास पहुंची तो पंडित ने कहा, तुम फिर से लेट आई, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं कितना विद्वान हूँ, सारे पंडित मेरे से ही सलाह लेने आते हैं। कल से मेरे को सूर्योदय से पहले चाहिए, समझी? और ये नदी तो जीवन की नदी है, इसको लोग हरि का नाम लेके भी पार कर लेते हैं। तो लक्ष्मी ने पंडित की बात को गहराई से लिया और वो मन ही मन सोचने लगी कि पंडित जी कैसे? तो उसने कहा, आपने ही तो मुझे बताया था कि हरि का नाम लेके नदी पार कर लो, तो मैंने वैसे ही किया। पंडित ने कहा, अभी तुम मेरे सामने करके दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मी ने बिना किसी कठिनाई के फिर से हरि का नाम लेके नदी पार कर ली। फिर पंडित खुद भी ऐसा करना चाहा, लेकिन जब उसने अपने कपड़े भीगने से बचाया तो वो नदी में ही गिर पड़ा। फिर जब उठा तो लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी, आप तो अपनी धोती के बारे में सोच रहे थे कि मेरी धोती ना भीग जाए, इसलिए आप गिर गए। अगर आप हरि का नाम लेते, हरि का चिंतन करते, तो आप नहीं गिरते नदी। तो पंडित को लगा इसकी भावना, भगवान पे श्रद्धा मेरे खाली ज्ञान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और महत्वपूर्ण है। तो उसने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और आगे से कभी भी नहीं डांटा। तो आध्यात्मिक भाव है, बाबा कहते हैं कि ज्ञान को केवल दोहराना नहीं है, दूसरों को वर्णन नहीं करना है, अपने अंदर धारण करना है, फिर दूसरों को वर्णन करना है। हमें ज्ञान को केवल पंडित की तरह दोहराना नहीं है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है।